सोनीपत में एक रईस जादे की करतूत पुलिस कर्मचारियों और एसएसबी के जवानों पर भारी पड़ गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी फॉर्चुनर कार के पास है जो आज अल सुबह जो किसान आंदोलन के दौरान कानूनी व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सेक्टर 7 में की गई थी। और ये वही फॉर्चुनर कार है जिसकी जानकारी मिली है कि सोनीपत के रहने वाले शशांक गर्ग इसके चला रहे थे और उनके पिता सोनीपत के एक बड़े कारोबारी हैं जिनका नाम पावेल गर्ग है जो सोनीपत के बड़े कारोबारियों में नाम आता है। लेकिन उनके पिता शायद ये भूल गए कि बेटे को इतनी बड़ी कार देना भारी पड़ सकती है और बेटे ने भी बड़े कारोबारी पिता के रईस जादे दिखाते हुए नशे में धुत थे। और जो पुलिस कर्मचारी एसएसबी के जवानों के सेक्टर 7 पर नाके में ड्यूटी लगाई गई थी उन्हें ही ठोक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक एसएसबी का जवान और एक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि पीसीआर यही पीसीआर है जो सेक्टर 7 चौक पर खड़ी की गई थी। इसी में एसएसबी के जवान और पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी थी जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रईस ज्यादा उन पर ही भारी पड़ सकता है। रईस जादे को अपने पिता के कारोबार पर इतना घमंड था कि वह यही भूल गया कि कानून व्यवस्था भी कुछ होती है। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तो उसने की ही, लेकिन एक खतरनाक ड्राइविंग करते हुए उसने पुलिस कर्मचारियों को ही उड़ा दिया। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पिता का कारोबार का नशा कहें या फिर पैसे का नशा, नशा शराब का जरूर था लेकिन पिता का हाथ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पुलिस ने मामला शशांक गर्ग के खिलाफ दर्ज जरूर कर लिया है, लेकिन देखना अब यही होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है। क्योंकि अगर पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो रईस जादों पर लगाम नहीं लगेगी। रईस जादों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी तरह पुलिस कर्मचारी और आम जनता इनसे परेशान रह सकती है। सोनीपत से नितिन आंतिल, न्यूज 18। सोनीपत में एक रईस जादे की करतूत पुलिस कर्मचारियों और एसएसबी के जवानों पर भारी पड़ गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी फॉर्चुनर कार के पास है जो आज अल सुबह जो किसान आंदोलन के दौरान कानूनी व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सेक्टर 7 में की गई थी। और ये वही फॉर्चुनर कार है जिसकी जानकारी मिली है कि सोनीपत के रहने वाले शशांक गर्ग इसके चला रहे थे और उनके पिता सोनीपत के एक बड़े कारोबारी हैं जिनका नाम पावेल गर्ग है जो सोनीपत के बड़े कारोबारियों में नाम आता है। लेकिन उनके पिता शायद ये भूल गए कि बेटे को इतनी बड़ी कार देना भारी पड़ सकती है और बेटे ने भी बड़े कारोबारी पिता के रईस जादे दिखाते हुए नशे में धुत थे। और जो पुलिस कर्मचारी एसएसबी के जवानों के सेक्टर 7 पर नाके में ड्यूटी लगाई गई थी उन्हें ही ठोक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक एसएसबी का जवान और एक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि पीसीआर यही पीसीआर है जो सेक्टर 7 चौक पर खड़ी की गई थी। इसी में एसएसबी के जवान और पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी थी जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रईस ज्यादा उन पर ही भारी पड़ सकता है। रईस जादे को अपने पिता के कारोबार पर इतना घमंड था कि वह यही भूल गया कि कानून व्यवस्था भी कुछ होती है। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तो उसने की ही, लेकिन एक खतरनाक ड्राइविंग करते हुए उसने पुलिस कर्मचारियों को ही उड़ा दिया। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पिता का कारोबार का नशा कहें या फिर पैसे का नशा, नशा शराब का जरूर था लेकिन पिता का हाथ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पुलिस ने मामला शशांक गर्ग के खिलाफ दर्ज जरूर कर लिया है, लेकिन देखना अब यही होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है। क्योंकि अगर पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो रईस जादों पर लगाम नहीं लगेगी। रईस जादों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी तरह पुलिस कर्मचारी और आम जनता इनसे परेशान रह सकती है। सोनीपत से नितिन आंतिल, न्यूज 18।